नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और फिटफट होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज जाएंगे हमारा जो कॉलोनी है पुराना, उस कॉलोनी के साफ़ सुथरा करेंगे, क्योंकि आज कुछ नया जो है फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मतलब बजीज का पेयर लेके तो कहीं कहीं से इधर उधर इधर उधर से मैं थोड़ा कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेड लाइन वगैरह जो चेंज करना है उस चक्कर में कहीं पाँच पाँच छः छः पेयर इधर उधर करके लेके आ रहा हूँ। तो आज अब बहुत दूर से, तो फाइनली हम अपने सेटअप में पहुंच गए हैं। ये देख पा रहे हैं, ये हमारा पुराना जो सेटअप है बड़े वाला, जिसमें बजीज वगैरह रहते थे पहले, वो वाला सेटअप मैं पिछले भी एक दो वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये वीडियो पूरा मतलब ये कॉलोनी पूरा खाली था और इसमें सिर्फ एक ही पियर छोटे छोटे, ये कुंदन भाई ने मुझे दिया है, गिफ्ट किया है, तो यही बचा है। इसका लिए मैंने यहाँ पर रख दिया। और थोड़ा सा पानी जो है गंदा हो गया, यहाँ से थोड़ा हवा आता है ना, थोड़ा गर्मी का सीजन चालू हो गया है तो लू वगैरह चल रहा है हमारे इधर से भी, तो चक्कर में ये पानी जो है गंदा हो गया। ये भी साफ़ सुथरा करना है और इस कॉलोनी भी को भी साफ़ सुथरा करना है, इसलिए मैंने ये पत्ती और कुछ झाड़ू झाड़ू वगैरह लेके इनको साफ़ सुथरा करना है। तो अभी मैं जितना भी वो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनमें पहले भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के रख दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था, लेकिन अभी इन्हें फिर से धो धा के, और ये देख रही है थोड़ा सा गंदगी हो गया है, तब से मैंने अभी तक इनको साफ़ नहीं किया था। जब बर्थ छोड़ूंगा तो उस चक्कर में सोच रहा हूँ कि इसी में बढ़िया करके साफ़ सुथरा करके थोड़ा सा मतलब बर्थ वगैरह छोड़ा जाए। और मेरा जो है बर्थ आ रहा है वो भी कुछ पियर आ रहे हैं, और अमरोहा से मेरा भाई लेके आ रहा है एक हेमंत भाई, वो बेड वगैरह लेके मेरे को बोला फ़ोन करके कि कुछ बर्ड आ रहा है तुम्हारा, तो वो बर्ड लेने आ जाना। तो मैं जाऊंगा रुद्रपुर, वो बर्ड जो है वहाँ से डायरेक्टली रुद्रपुर के लिए बस है, और रुद्रपुर चौराहे पे हमें मिल जाएंगे, तो वहीं जाके हम लोग संपर्क वगैरह करेंगे। तो उससे पहले जो है ये साफ़ सुथरा का काम जो है यहाँ पर वो कर दिया हूँ मैंने, साफ़ सुथरा करके उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा उनके पास। और ये भी कुछ मेरा इधर देख पा रहे हैं, ये केज है, इनमें वगैरह मैंने कॉकटेल वगैरह रखा था सेपरेट बाई सेपरेट, तो इसको भी थोड़ा सेटल करना है। और ये जो स्टेक देख रहे हैं इन्हें भी थोड़ा सेटल करना है, ये यहाँ इधर लगा देना है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा दूर हो गया है, तो हमें लगाना है यहाँ से लेके वहाँ पे। और ये वाला जो सेटअप देख रहे हैं ये थोड़ा उधर उधर हटा देना है, क्योंकि ये थोड़ा बीच में हो गया। और इनमें भी देखेंगे कुछ और कुछ ला के छोड़ने के लिए। और इनमें मैंने डिटोल का दो चार बार स्प्रे भी मैंने कर दिया, लेकिन अभी फिर से एक दो बार कर दूंगा धो धा के, स्प्रे वगैरह करना है साफ़ सुथरा करके। और इधर का जो पॉलीथीन है ये सारा हटा देना है। इनमें अभी भी काम भी थोड़ा सा बाकी है, मिस्त्री को बुला के थोड़ा सा जो है, ये देखिए चिड़िया ने खा खा के क्या कर दिया, बजीस तो पता ही है आप लोगों को कैसा खाता है, ये सारा खा खा के गड्ढा कर दिया, तो इन सब में रिपेयरिंग करना है। और इधर ये भी रिपेयरिंग करना है। और ये देखिए थोड़ा ततैया का जो छत्ता है वो भी बना रहे हैं, ये भी साफ़ सुथरा करना है। दीवारों में थोड़ा सा सिलेंस आ गया, इनमें भी थोड़ा देख दाख के इनको भी थोड़ा ठीक ठाक करके इन्हें भी फिट फट करना है। ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये सारा साफ़ सुथरा करके फिर इसमें बजी छोड़ेंगे। तो जैसे ही फ़ोन आएगा वैसे हम लोग चलेंगे रुद्रपुर, रुद्रपुर से लेके आएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कैसा कलर है, कैसा बजीज है। वीडियो में भेजा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उसमें से सारे एडल्ट पेयर हैं और कह रहे थे कि आके ही मतलब तुम लेके जाओगे, वो जाते ही तुम्हारे घर पे ब्रीड वगैरह कर देंगे। तो ज़्यादा देर ना करेंगे हम, देर ना करते चल देंगे उनके घर मतलब रुद्रपुर, और रुद्रपुर जाके उनसे लेंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को कैसे कैसे कलर है, और घर आके छोड़ेंगे ये भी, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये देखिए सीलन की वजह से थोड़ा सा हमारा जो है ये ख़राब हो गया, इनमें वगैरह बाइट सीमेंट वगैरह करना है। बाकी का काम तो हमने पेंट पुट्टी इनमें पेंट वगैरह कर दिया हूँ जालियों में, ज़बरदस्त करके कोई दिक्कत ना हो, मतलब जंग आ रहा था तो चक्कर में हमने ये देखिए पूरा पेंट पॉइंट कर दिया ज़बरदस्त करके, जितना हो सका मतलब उतना मैंने पेंट पुट करके लगा दिया। देख पा रहे हैं इधर सारा मैंने पेंट कर दिया, ये सब चमक रहा होगा हल्का हल्का, ये सारा पेंट वेंट करके रख दिया मैंने।
और इस कॉलोनी को साफ सुथरा करके फिर जाएंगे हम अपने बजिस लाने। तो थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आप लोगों को लेके सीधा रुद्रपुर, और वहीं जाके दिखाते हैं कौन सा कलर का बजिस आ रहा है। तार बुरुस वगैरह पत्ते वगैरह मैंने मार के देखिए दीवार वगैरह का सारा साफ सुथरा कर दिया। अब इसमें झाड़ू मार के और पानी से धोधा दूंगा। और ये जो स्टैक देख रहे हैं ये कुछ गलत लगा दिया मैंने, मतलब इसे भी ठीक करना है, क्योंकि स्टैक को जो है बहुत ऊंचा हो जाता है और ये गर्मी से थोड़ा इनको डायरेक्टली यहाँ पे जो एडबिस्टर देख रहे हैं ये ऊंचा, ये एडबिस्टर गर्म होने के कारण इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इन्हें थोड़ा नीचे कर दूंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम मतलब गर्मी लगेगी। तो इनको जो है मैं अभी खोल के इतना नीचे कम से कम बहुत नीचे लगा दूंगा, वो क्योंकि गर्मी में ना जो दिक्कत हो जाता है उस चक्कर में इन्हें थोड़ा सा और नीचे और थोड़ा सा क्या कहते हैं पास में, मतलब मैंने मटकी से बहुत दूर लगा दिया था तो उस चक्कर में थोड़ा पास में मैं ये लगा हुआ। तो ये हमारा मटकी जो स्टैग है इन्हें मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि बैठने बैठने में भी थोड़ा इनका दिक्कत नहीं होगा, और उसमें थोड़ा दिक्कत हो जा रहा था देख पा रहे हैं, क्योंकि मटकी से भी थोड़ा दूर हो जाते थे और ऊपर से जो एडल्ट पेयर हैं उनको उड़ने मुड़ने में समय भी दिक्कत होता है कि कभी कभी उन्हें चोट भी लग जाता है। तो उस कारण हमने यहाँ पे इनको अच्छी तरह बांध देते हैं, यहीं बढ़िया सेट रह जाएगा। तो बांध दिया और यहाँ पे इस प्रकार बांधा, क्योंकि मटकी से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से ऐसे एक वो है आधा फुट भी नहीं है, तो इतना दूरी में मैंने लगा दिया। बाकी ये ऊपर जो केले देख रहे हैं यहाँ भी नहीं लगाना है, इस बार मुझे मटकी लगाना है ये दूसरा और ये, या तो ये दूसरा या तो ये इस लाइन में लगाना है, ये भी छोड़ देना है मुझे और ये भी छोड़ देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा गर्म हो जाता है दीवार उबार भी, और ऊपर से ये एडबिस्टर का जो गर्म भाव है वो भी इसमें आता है। तो मैं इस थोड़ा नीचे लगाऊंगा तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा इनको ठंडक महसूस होगा। तो ये अभी झाड़ू लगा देते हैं फिर चलते हैं रुद्रपुर और देखते हैं वहाँ का कैसा बजिस लिखे हैं और कैसे कैसा कलर है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इनमें शुरुआत वुरुआत करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं रुद्रपुर और दिखाते हैं आप लोगों को। झाड़ू उड़ू बांध के कम्प्लीट हो गया, अब इसमें थोड़ा सा डिटॉल का पानी स्प्रे करूँगा, बाकी साफ सुथरा हो गया। और ये देख पा रहे बढ़िया करके साफ सुथरा करती है हमने, डिटॉल का पानी का स्प्रे करेंगे। डिटॉल है इन्हें थोड़ा स्प्रे करना है, क्योंकि थोड़ा जो वायरस वगैरह होगा वो हो जाएगा मर जाएगा। तो थोड़ा सा जो है डिटॉल का पानी दे देते हैं इसमें, और बढ़िया करके इसमें पूरा स्प्रे कर दूंगा। उसके बाद आज सूख जाएगा तो कल थोड़ा धो दूंगा, कहीं ना कहीं कीटाणु मर जाएगा। इसमें मैंने पेपर वगैरह सब कुछ जलाया था, क्योंकि जब मेरा बर्ड मर एक्सपायर हो गया था तो मैंने ये सारा देख पा रहे कोना कोना पूरी एकदम काला काला देख रहे हैं, ये सारी जगह पे मैंने वो पेपर जला दिया था। उसके बाद जाके जितने भी कवर थे वो सारा मैंने जला जला के फेंक दिया, मच्छर भी हुआ है इसमें देखिए, ये देख पा रहे बोल रहा है। तो थोड़ा दीवार का भी साफ सुथरा कर दिया था, फिर भी मार देता हूँ दीवारों में। तो हमारा का जो काम फाइनली हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि जिसमें जो दो चार पेयर छोड़ूंगा तो इतना मटकी लगाना ज़्यादा सही नहीं है, एक पेयर में उसमें से ऐसा लगा एक दो पेयर तो ये है, ये दो पेयर छोड़ूंगा और बाकी उसमें कुछ बच्चे हुए हैं बड़े अपने छोटे कॉलोनी में, वो बच्चे और एक एडल्ट पेयर जो तीन चार बच्चे निकाले हैं ऐसा कुछ अच्छा ब्रीड करता है मतलब, वो
सारे इसमें छोड़ूंगा। तो दो तीन पेयर से ही शुरू करते हैं इस कलोनी का फिर से शुरुआत पहले जैसे, देखते हैं क्या होता है। तो ज़्यादा देर ना करते, पहले पकड़ लेते हैं और छोड़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा कलर का और कैसा कैसा बच्चा निकला है, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। और ये हमारा पिंजरा, इसमें पकड़ेंगे और ले आएंगे। तो इसमें से कुछ बच्चे निकले हैं इस बार, तो फर्स्ट क्लास मतलब मेरे पास जब से एक्सपायर होने के बाद ये अभी निकला है कुछ बच्चे, तो फर्स्ट बार देखने को कुछ मिला है। तो वही बच्चे जो है मैं इसमें छोड़ूंगा अपने बड़े कॉलोनी में, और एक आध अडल्ट पेयर जो है इसमें से अच्छे देख के वो छोड़ूंगा उसके अंदर। तो चलिए चलते हैं, पकड़ते हैं और छोड़ते समय आप लोग कुछ दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये हमने पकड़ लिया है, और ये वाला मटकी जो है उस कलोनी में लगाऊंगा अभी, क्योंकि ये फर्स्ट मटकी होगा हमारा। यही वाला मटकी जो है पियर्स के समेत उसमें छोड़ूंगा, एक साथ एडल्ट पियर। और बाकी पट्टे हैं उसमें बच्चे हैं, वो बच्चे छोड़ूंगा। तो चलिए चलते हैं और ले चलते हैं, और वहीं पर जाके रिलीज करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए लेके आ गया, और कुछ वो उस कमरे में जो था वो भी पकड़ लिया, और ये भी पकड़ लिया, इसको सारे को रिलीज़ करूँगा। और इसमें से एक जो है ये लेके आया हूँ, और ये मैंने आके ही लगा दिया, और अब किस इसको करते हैं रिलीज। बाद में ये जो पिंजरा उंजरा देख रहे हैं ये सारा अभी हटा दूंगा, क्योंकि इसमें इसी में बैठ के पिंजरा उंजरा बनाता था। तो ये बनाऊंगा यहाँ पे मैं केज बाई केज का, वो कॉकटेल के लिए। तो मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि ये पहले वीडियो में ये जो जितने भी जाले देख रहे हैं ये केज बाई, मैंने प्राइमर वाइमर करके रख दिया था, ये केज बाई केज में कॉकटेल छोड़ूंगा इसमें, कॉकटेल या लब्बट एक दो पेयर करके छोड़ूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते इसको इन लोगों को रिलीज़ करते हैं, और हमारा पहला कलोनी का फिर से शुरुआत हो रहा है। ये देखिए एक भी परिंदे नहीं है मेरे कलोनी के अंदर, देख पा रहे हैं कहीं पर से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे। तो मैं भगवान से कामना करता हूँ कि फिर से जैसे था मेरा परिंदा वैसी फिर से हरा भरा बन जाए। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा जो फिर से मैं कलोनी बना पाऊँ उस प्रकार। तो ये देखिए प्यारा लेस हो गया, चलो चलो चलो। तो इसी पेयर से इसमें कुछ बच्चे हैं और एक दो पेयर एडल्ट हैं, तो इसी से ही शुरू कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है बताइएगा, कैसा लगा ये। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। वीडियो बस यहीं तक ही था, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।